नेटवर्क 15 पर आप देख रहे हैं सफर जायके का। जायकों की तलाश के सफर में आज हम कालकाजी में आए हुए हैं। कालकाजी की कृष्णा मार्केट के अंदर जैसे आप एंटर होंगे आपको लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर मूलचंद पराठा नजर आएगा। इस वक्त हम मूलचंद पराठा के कालकाजी आउटलेट के अंदर हैं। इनका जो मेन आउटलेट है वो मूलचंद मेट्रो स्टेशन के कॉम्प्लेक्स के अंदर बिल्कुल मेट्रो स्टेशन के पास में है। ये एक इनका फ्रेंचाइजी आउटलेट है जो इन्होंने कालकाजी में स्टार्ट किया है। आइए हम देखते हैं कालकाजी में मूलचंद पराठा और संजय चूर चूर नान इनके कौन से ऐसे जायके हैं जो हम आप तक पहुँचा सकते हैं। हमारे पास तीन तरह के पराठे हैं, एक चिली चीज़ गार्लिक पराठा है, एक दाल का पराठा है, एक बिल्कुल बेसिक जो आलू प्याज का पराठा इनका होता है वो है। मैं देखता हूँ इन पराठों का कैसा जायका है, वो जायका हम आप तक पहुँचाते हैं। शुरुआत करेंगे हम छाछ से। बहुत ही बुनियादी जायका है, जैसा छाछ के अंदर थोड़ा सा मसाला डाल के इन्होंने दिया है, बहुत उम्दा। इसके बाद हम टेस्ट करते हैं चिली चीज गार्लिक पराठा। मूलचंद पराठा का चिली चीज गार्लिक पराठा अपने आप में एक अनोखा जायका है, बहुत उम्दा जायका है। पराठे में चिली चीज गार्लिक का जो ये कॉम्बिनेशन है बहुत ही उम्दा कॉम्बिनेशन है, बहुत उम्दा जायका है। ये जो मूलचंद पराठा का जो पराठा है इस वक्त मेरे सामने है, ये आलू प्याज का पराठा है जो सबसे सस्ता और सबसे ज़्यादा ऑर्डर किया जाने वाला पराठा है। मैं देखता हूँ आलू प्याज के पराठे का कैसा जायका है। आलू प्याज का पराठा बहुत ही बुनियादी जायका है इसका। फिलिंग के अंदर इन्होंने आलू और प्याज की मिक्स करके फिलिंग की हुई है। आइए अब हम देखते हैं दाल का पराठा कैसा है। अगर आप पुरानी दिल्ली जाते हैं पराठे वाली गली में आपको बहुत तरह के पराठे मिलते हैं। पुरानी दिल्ली के जो पराठे वाली गली के पराठे हैं उसके मुकाबले में, उसके कंपैरिजन के अंदर मूलचंद पराठा का जो पराठा है वो बहुत डिफरेंट है। ये लोग पराठे को फ्राई नहीं करते हैं, ये लोग पराठे के अंदर फिलिंग करके और उसको तवे के ऊपर सेकते हैं, तो एक अलग इसका टेस्ट डेवलप होता है जो पुरानी दिल्ली के पराठे वाली गली के पराठों के मुकाबले में बहुत अलग है। दाल का पराठा भी बहुत उम्दा है। इन तीनों पराठों में जो हासिल महफिल जायका है वो चिली चीज़ गार्लिक पराठा है। अगर आप साउथ दिल्ली में कहीं भी रहते हैं, पराठों के आप शौकीन हैं, तो आप एक बार मूलचंद पराठा कालकाजी में आके इनका चिली चीज़ गार्लिक पराठा ज़रूर टेस्ट करें। ये अपने आप में एक अनोखा और बहुत ही उम्दा जायका है। इसके अलावा अगर आप साउथ दिल्ली में कालकाजी के 5 किलोमीटर के एरिया में रहते हैं तो आप ऑनलाइन ऑर्डर करके भी मूलचंद पराठा से अपने घर पर डिलीवरी मंगा सकते हैं। मूलचंद पराठा का जो कालकाजी आउटलेट है इसके साथ ही संजय चूर चूर नान भी यहाँ पर अवेलेबल है। इस वक्त मेरे सामने एक कीमा चूर चूर नान है, एक कीमे का नान है। आइए हम देखते हैं इस कीमा नान का कैसा जायका है। ये जो चूर चूर नान है इसमें बहुत सारा बटर मिलेगा आपको, जिसमें उन्होंने कीमा की फिलिंग की हुई है। इसका भी जायका अपने आप में बहुत उम्दा है। ओके सर, आप
इस आउटलेट में फर्स्ट टाइम आए हैं? इस आउटलेट में मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ। लास्ट 20 इयर्स अभी वेंट टू मूलचंद। ओके, द मेन आउटलेट। ओके सर, तो आप हमारे व्यूअर्स को कौन सी डिश सबसे ज्यादा रिकमेंड करना चाहोगे यहां की? मिक्स पराठा इज ऑसम। मिक्स पराठा तो फेमस है। ओके, आपकी ड्रिंक्स में आपको क्या पसंद है? छाछ। सर आपका नाम क्या है? बजीत सिंह। सर आपने आज यहाँ क्या ऑर्डर किया है? मैंने आज आलू का पराठा और एक अंडे का पराठा ऑर्डर किया प्लस रहता। अच्छा सर, आप यूजुअली यहाँ आते रहते हैं या फर्स्ट टाइम आए हैं? नहीं, आते रहते हैं, पुराने टाइम से चल रहे हैं। अच्छा। इनकी जो ब्रांच मूलचंद में है, हाँ। हम वहीं से चलते आ रहे हैं। एक्चुअली वहाँ पर स्कूल भी था हमारा, हम उस टाइम से आ रहे हैं जिस टाइम इनका आलू का पराठा 7 रुपीज का था और अंडे का पराठा 7 रुपीज का था और आलू का 5 रुपये का था। इस वक्त मेरे साथ हैं मूलचंद पराठा के कालका जी आउटलेट के ओनर मिस्टर विक्रांत खट्टर। आई एम विक्रांत जी से बात करते हैं, जानते हैं मूलचंद के इस आउटलेट के बारे में। विक्रांत जी मुझे बताइए, ये आउटलेट आपने कब स्टार्ट किया है कालका जी वाला? 7 महीने हुए हैं, 24 नवंबर को स्टार्ट किया था। अच्छा, जब 7 महीने हो गए, कैसा रिस्पांस है यहाँ पर? अच्छा, काफी। जो आपका मेन मूलचंद पराठा का जो आउटलेट है बहुत फेमस है, तो यहाँ पर जब आपने कालका जी में जब स्टार्ट किया तो यहाँ पर लोगों का कैसा रिस्पांस था? यहाँ का बहुत अच्छा रिस्पांस था, लोग बहुत खुश थे, यहाँ पे पूछ रहे कि यहाँ पर भी खुल गया तो अच्छा है, हमें भाई सुविधा हो गई यहाँ पर। अब हमको मूलचंद नहीं जाना पड़ेगा पराठे खाने के लिए? नहीं जाना पड़ेगा, एटलीस्ट 11 बजे तक तो है ही, जाना पड़ेगा तो जाना। अगर हम पराठों की बात करें दिल्ली में, तो सबसे पहले जो जहन में एक बात आती है, जो सबसे पहले एक जगह जहन में आती है, वो आती है पुरानी दिल्ली की पराठे वाली गली। तो पुरानी दिल्ली के जो पराठे वाली गली के पराठे होते हैं उनमें और आपके जो पराठे हैं उसमें क्या डिफरेंस है? वो फ्राई होते हैं। हाँ, मेरे ऐसे फ्राई नहीं होते, मेरे घर से जैसे घर पे बनते हैं वैसे बनाते हैं, तो डीप फ्राई नहीं करते। कस्टमर जैसा हमें कहता है कि कम ऑयल लगाओ या सूखा लगाओ, हम भी वैसा बना के दे देते हैं। सबसे ज़्यादा जो ऑर्डर्स आते हैं वो कौन से पराठे के आते हैं? मेरे पास आते हैं आलू प्याज का, चिली गार्लिक का, कीमा, चिकन, डबल अंडा, पनीर, बाकी फ्रिक्वेंसी में आते हैं सारे, ये ज़्यादा। जो हमारे व्यूअर्स हैं जो साउथ दिल्ली में और साउथ दिल्ली के आसपास कालका जी के आसपास रहते हैं, उनको आप अगर कोई एक आइटम ट्राई करने के लिए कहें तो वो फर्स्ट टाइम जिन्होंने अभी तक आपके पास नहीं आए हैं, अगर जो वेज में खाना चाहता है तो वो फर्स्ट टाइम तो वो आलू प्याज का ट्राई करें, चीज चिली गार्लिक, अगर कोई चीज़ पसंद है चीज चिली गार्लिक जरूर ट्राई करें। हमने जो आपके पराठे अभी टेस्ट किए उसमें एक तो आपका चीज़ चिली गार्लिक पराठा बहुत एक्सेलेंट था टेस्ट के अंदर, और दूसरी बात वो ये कि जो आपका मेन आउटलेट का जो टेस्ट है और यहाँ का जो टेस्ट है उसमें मुझे पर्सनली मुझे ये लगा कि वहाँ के टेस्ट से थोड़ा सा यहाँ टेस्ट आपका बेटर है। सर बेटर में आप देखो, यहाँ तो बिल्कुल एकदम बंद है, वहाँ पर एकदम तेजी है। हाँ हाँ, कस्टमर इतना तेज है कि कस्टमर में वहाँ घुसता नहीं, कई मसाले वही सब कुछ नहीं, वहाँ पर वही मसाले डालते हैं तो यहाँ डालते हैं। थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग टू अस। जायके के सफ़र के इस एपिसोड में हमने अब तक पहुँचा है मूलचंद पराठा और संजय चूर चूर नाम के ये बहुत ही उम्दा जायके। अब एक आखिरी जायका मेरे सामने है, ये है स्ट्रॉबेरी लस्सी। आइए हम देखते हैं कि इतने हेवी पराठे खाने के बाद डेजर्ट के तौर पे इस लस्सी का कैसा जायका है। बहुत ही थिक लस्सी है और जो इसके अंदर फ्लेवर है बहुत उम्दा फ्लेवर है स्ट्रॉबेरी का, बहुत ही उम्दा जायका है। ये सारे जायके जो हमने आप तक पहुँचाए इसमें जो हासिल महफिल जायका था उसमें स्ट्रॉबेरी लस्सी और चिली चीज़ गार्लिक पराठा, ये दोनों जायके अपने आप में बहुत उम्दा थे। अगर आप साउथ दिल्ली में कालका जी की तरफ आते हैं कभी भी तो कालका जी में देशबंधु कॉलेज के बिल्कुल पास कृष्णा मार्केट में जैसे आप एंटर करेंगे तो आपको मूलचंद पराठा नज़र आएगा। मूलचंद पराठा के पराठे ज़रूर टेस्ट करें और इनका लुत्फ उठाएँ। जायकों की तलाश का हमारा सफ़र जारी रहेगा, आप देखते रहिए सफ़र जायके का नेटवर्क 15 पर। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस वीडियो के नीचे सब्सक्रिप्शन का एक रेड बटन है उसको क्लिक करें और उसके साथ में एक घंटी का छोटा सा निशान है उसको भी क्लिक कर दें ताकि जायके के सफ़र का जो भी नया एपिसोड आए उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। आप देख रहे थे सफ़र जायके का नेटवर्क 15 पर।